हाँ, कल जन्माष्टमी है तो कान्हा जी को हम लोग स्नान कराएंगे, नए कपड़े पहनाएंगे। तो जब हम कपड़े पहनाते हैं ना, तो उनको हम लंगोट जरूर पहनाना चाहिए। सिर्फ उनको फ्रॉक नहीं पहनाना चाहिए, अंदर उनको अंग वस्त्र देना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, एक ऐसी कोई भी कपड़ा ले लीजिए आप, रेड कलर की या येलो कलर की। और पहले उनको यहाँ पे एक रखिए, एक उंगली से हल्का सा पकड़िए, ठीक है। और फिर प्यार से इसको इधर ले जाइए, नारायण नारायण बोलते जाइए, नारायण नारायण। और इसको ऐसे हम जैसे बच्चे, छोटे बच्चों को पहनाते हैं, फिर इसको देखिए इस साइड से लाइए और फिर एक बार कमर में इधर ले जाइए, ठीक है। और फिर पीछे साइड से फिर लेके आइए, ऐसे ऐसे करके इनको गोल गोल पूरा पहना के लास्ट में इनको यहाँ पे आप टाइट कर दीजिए। ये देखिए कान्हा जी की लंगोट हो गई तैयार ना। देखो ये कितने सुंदर से इन्होंने पहने, देखो। अब आप इसको ऊपर से ड्रेस, हम बाल गोपाल जी को एक और तरीके से बनाएंगे। उस तरह से क्या होता है ना कि थोड़ा सा ढीला हो जाता है, खुल जाता है। तो हमें क्या करना है कि एक छोर पे थोड़ा सा काट लेना है ऐसे, ठीक है। और फिर इनको ऐसे पीछे रखा, वापस नीचे ले गए पैर के पास और एक बार पूरा रैप किया, ठीक है। फिर पीछे से लाए, हाँ, और फिर ऐसे एक बार और रैप किया। रैप करने के बाद अब ये दोनों जो छोर है उसको आगे पीछे पकड़ के और इसको बांध दो, ठीक है, टाइट इसको बांध दो। तो अब ये नहीं खुलेगा। और ये देखिए पीछे भी बहुत अच्छे से टाइट हो गया ऐसे, है ना। और ये आगे भी ऐसे बंद हो गया, ये आपको अच्छे से बंद हो जाएगी। रॉड लंबा अगर चीर देंगे कपड़ा तो अच्छे से गांठ भी पड़ जाती है। ऊपर से ड्रेस बनाइए। बाय, हैप्पी जन्माष्टमी।